हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपस्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक के बारे में, ठीक है, जो कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि बैंकिंग की, रेलवे हो गया, SSC, CGL, HTET, CTET, हर जगह ये टॉपिक मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ए से जेड की जो है प्लेस वैल्यू को किस तरह से याद किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई जो है 5 नंबर पर आता है, जे 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो ये बहुत आसान है, ये एक वर्ड याद रखना, E ज्योति, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का टेबल ही चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। अब क्या होता है कि जो हमें फर्स्ट स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं और लास्ट के अल्फ़ाबेट हैं वो बहुत आसानी से याद रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ABCD तो आसानी से याद रहता है, शुरू के 4 अल्फ़ाबेट, जैसे कि A का नंबर होता है 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4, ठीक है। और ई का जो मैंने अभी आपको बताया है वो होता है 5, ठीक है। तो आप जो है ई का नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 होता है। और अगर आपको इससे पहले या इसके बाद का नंबर ध्यान रखना है, तो अगर आपको ई की वैल्यू पता है 5, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि जो डी है वो ई से पहले आता है। उसी तरह से जो एफ़ है वो ई के बाद आता है, तो एफ़ का नंबर हो जाएगा 6। लेकिन ये ट्रिक याद रखनी बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ़ को जो 6 है वो किस तरह से याद रखा जाए। जैसे कि फिक्स अगर हम बोलें तो फिक्स जो है वो रिलेट हो रहा है 6 से, ठीक है। तो एफ़ का नंबर क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या है, G7, ठीक है। अब G7 को किस तरह से याद रखा जाए कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ठीक है, उसे हम बोलते हैं G7। या फिर एक ट्रिक और भी हो सकती है कि जो जी है, अगर हम जब जी बनाते हैं तो यहाँ पर जी की टेल में आप देख सकते हैं कि 7 बन रहा है, तो जी अपनी टेल में क्या है, 7 रखता है, तो जी का नंबर क्या हो गया, 7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं H 8, ठीक है। अगर हम H देखें, नॉर्मली हमें इस तरह से दिखता है, और अगर हम उसे डिजिटल फॉर्म में बनाएँ तो इस तरह से क्या हो गया, हमें H जो है वो 8 की फॉर्म में दिख रहा है, तो H का नंबर हो गया 8, ठीक है। अब आई देखते हैं, आई का नंबर होता है 9। अब ये किस तरह से याद रखा जाए कि अगर आप इसको कर्सिव में बनाए आई को इस तरह से, तो आपको दिख रहा है बिल्कुल 9 की तरह, ठीक है। या फिर एक ट्रिक और, अगर आपको कुछ भी आता तो आप क्या बोलते हैं, आई 9, ठीक है। तो आई का नंबर क्या हो गया, 9। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है जे, तो जे को हम रिलेट करेंगे के साथ, ठीक है। किस तरह से याद रखेंगे, अब देखो किसी भी चीज़ की जो पहचान होती है वो अगर आप कुछ बोलते हैं पेंसिल, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगी, उसकी इमेज आ जाएगी कि वो पेंसिल है, ठीक है। तो इसी तरह से जे और के, ठीक है, तो जे और के से आपको पता है क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वहाँ पर जो है आए दिन लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो जम्मू और कश्मीर में किस तरह से याद रखेंगे कि 10 से 11 गोली तो चलती ही चलती हैं अगर कोई भी लड़ाई हो जाए तो, ठीक है। तो जे का नंबर होगा 10 और के का नंबर होगा 11। और वैसे भी आपको जे जो है आपको पता ही है कि इजोती से हमने जे का नंबर जो है वो 10 याद किया था, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एल, ठीक है। अब एल जो है उसका 12 कैसे होता है नंबर, जैसे एल से क्या होता है, लायन, ठीक है। अगर आपके सामने लायन आ जाता है तो क्या होता है कि आपके फेस पे जो है वो 12 बज जाते हैं, तो L मीन्स 12, ओके। अब नेक्स्ट है M, ठीक है। अब यहाँ पर M और W को हम रिलेट करेंगे, इसकी मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगी। जैसे M जो है आपको पता है यहाँ पर 13 नंबर है, और यहाँ पर W जो है वो 23 नंबर है। अगर हम M की जो है शेप देखें वो 3 से रिलेट करिए, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके या टिल्ट करके लिखें तो ये 3 की तरह दिख रहा है, और जो M का अपोजिट होता है वो होता है W, और दोनों में ही 3 आता है। अब आपको पता है कि M पहले आता है, तो M जो है हम लिखेंगे उसको 13, और W लास्ट में आता है तो उसको 23। और M से हमें ये भी पता लग रहा है कि M से होता है मेरा, ठीक है, और तेरा, तो M का नंबर हो गया 13। अब यहाँ पर M की जो है हमने दो ट्रिक्स देखी हैं, ठीक है। जैसे M से क्या होता है, एक तो मेरा तेरा, और मैंने आपको M की जो है W से रिलेट करके भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर N, ठीक है। तो N14 कैसे है, सबसे पहले तो जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि रिवर्स जो है A का Z होता है, उसी तरह से M का रिवर्स क्या होता है, N होता है, ठीक है। तो जो भी रिवर्स नंबर होते हैं, जैसे M इज़ इक्वल टू 13 है,
और n इज़ इक्वल टू 14 है। तो जितने भी रिवर्स नंबर होते हैं उन दोनों का जो सम है हमेशा क्या होता है 27। ठीक है, तो अगर आपको m का नंबर पता है तो n भी आप इजीली याद कर सकते हैं 14। ठीक है, क्योंकि रिवर्स जो है इनका 27 होता है। नहीं तो n को याद रखने के लिए अगर हम इस तरह से बनाएं, इसको उल्टा उल्टी तरह से देखें तो ये आपको 4 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा अपोजिट में देखें तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि d का नंबर 4 होता है, तो क्या हो जाएगा n 14। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ओ। ओ जो है 15, तो इजोती से मैंने आपको बताया था ओ की जो वैल्यू होती है वो होती है 15। ठीक है, तो 15 को याद रखना भी बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर पी। ठीक है, पी 16 है और क्यू 17 है, इन दोनों को भी हम रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो 16 ईयर्स का प्रिंस, ठीक है, वो शादी करेगा 17 साल की क्वीन से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंस क्या हो गया 16 और क्वीन क्या हो गई 17। या फिर आप एक तरीका और भी इसको याद कर सकते हैं पी और क्यू के लिए। अब पी देखो, अगर आप इसको उल्टा देखें तो ये 6 दिख रहा है, तो 6 नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, 6 मैंने फिक्स 6 आपको बता ही दिया था, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा पी 16 हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा देखें तो ये 6 लग रहा है, तो यहाँ पर पी जो हो जाएगा 16। और क्यू अगर हम देखें तो क्यू की टेल में भी क्या होता है 7 होता है, जैसे जी की टेल में 7 होता है उसी तरह से क्यू की टेल में 7। अब 7 नंबर तो हो नहीं सकता, 7 क्या होता है जी का होता है, तो क्यू क्या हो गया 17 का। तो ये दो ट्रिक्स हैं, आप दोनों ट्रिक्स में से कोई भी ट्रिक को याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आर। ठीक है, अब यहाँ पर आर क्या होता है 18 होता है। अब R का क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, तो ये शेप बन गई 8 की। अब 8 तो हो नहीं सकता, R तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा लास्ट में आता है जब हम A B C D काउंट करते हैं, तो R का नंबर हो गया 18। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं S T। तो यहाँ पर हम S और T को किस तरह से याद रखेंगे, इन दोनों को इकट्ठे रिलेट करते हैं। S 19 होता है, T 20। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर S C और S T, इनमें क्या होता है 19-20 का फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर S क्या हो गया 19 और T क्या हो गया 20। या फिर T को बहुत ईजिली याद रख सकते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट जो होता है वो T20 होता है। ठीक है, तो T20 बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। या फिर मैंने ईजोती में भी आपको बताया ही है कि T की वैल्यू क्या होती है 20 होती है। तो T के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर U। ठीक है, अब U में क्या होता है, U की वैल्यू होती है 21। ठीक है, अब यहाँ पर इसको किस तरह से याद रखेंगे, अब यू से क्या होता है, वैसे तो वाई से यूथ होता है कि इसके अंदर यूथ, अगर हम यू से देखें इसकी जो बोलने की साउंड है वो यू से शुरू होती है यूथ। अब यूथ की एज क्या रखी गई है 21, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं यू को। अब नेक्स्ट बात आती है वी। अब वी को अगर हम इस तरह से देखें बोलने में क्या होता है वी, ठीक है, मतलब हम, तो क्या होता है यहाँ पे हम दो हमारे दो, तो इसीलिए 22। या फिर एक और भी चीज़, जब हम हाथ से विक्ट्री का सिंबल बनाते हैं कुछ इस तरह से होता है, तो उसमें भी दो आता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 22। और नेक्स्ट यहाँ पर W है, W की वैल्यू 23। तो मैंने यहाँ पर आपको M 13 बताया था और W 23, वो इस तरह से जब 3 को हम देखते हैं तो 3 की कुछ शेप जो होती है वो थोड़ी सी M और W की तरह होती है, तो वहाँ पर हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो M है वो पहले आता है, इसलिए M की वैल्यू 13 हो जाएगी। ठीक है, और जो W है वो बाद में आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 23। तो M और W को हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर एक ट्रिक W की और भी हो सकती है कि एक इंसान को जो है 24 आवर्स वर्क नहीं करना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 23। ठीक है, और जो नहीं करना चाहिए वो X हो जाएगा 24 आवर्स वर्क। या फिर X की एक ट्रिक और भी है यहाँ पर, अगर हम X को देखें इस तरह से, अगर हम इसको मिला देते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 4 दिख रहा होगा। ठीक है, अब 4 नंबर तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगी X के लिए ट्रिक। ठीक है, अब Y और Z को किस तरह से याद रखें, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स और लास्ट के अल्फ़ाबेट्स जो आपको इजीली याद रह जाते हैं, तो 26 तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो Y Z तो सिंपली आपको याद रह जाएगा कि 25 और 26। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 25 और 26 साल के आपस में फ्रेंड्स, मतलब Y Z 25 26। तो यहाँ पर हमने जो है आज की वीडियो में देखा है कि A टू Z की प्लेस वैल्यू को किस तरह से याद रखा जाता है बहुत अच्छी ट्रिक से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके
जो अपोजिट है रिवर्स किस तरह से याद रखते हैं उसकी ट्रिक्स को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।